अपनी निस्बत कहो, अपनी निस्बत कहो, कुछ ऐसा सिला देता है। आलम क्या होगा, अभी तो खाली मतलब पड़ा ही आश की कसम खुदा की। सही कहते हैं आप कि बेटा जुनैद गुजरात जैसी जगह हिंदुस्तान में कहीं देखने को नहीं मिलेगी। अपनी निस्बत का वो हर आशिक सुने, जितने गुजरात वाले हैं, अपनी निस्बत का वो कुछ ऐसा देता है। मेरा ख्वाजा, मेरा ख्वाजा, मेरा नहीं हम सबका, कौन कौन ख्वाजा वाला है, हम मोहित कुछ ऐसा सिला देता है। मेरा ख्वाजा, मेरा ख्वाजा, मेरा ख्वाजा मुझे घर बैठे दिला देता है। मेरा ख्वाजा मुझे घर बैठे दिला देता है। मेरा ख्वाजा मुझे घर बैठे दिला देता है। निस्बत पे वो, अपनी निस्बत का वो कुछ ऐसा सिला देता है। मेरा ख्वाजा सबका ख्वाजा, मेरा ख्वाजा मुझे घर बैठ दिला। मेरा ख्वाजा, मेरा ख्वाजा, मेरा ख्वाजा मुझे, मेरा ख्वाजा हक मोइन। ये किस किस का दावा है मैं कह रहा हूँ। अब लीड बहुत खूबसूरत है। कुछ ऐसा सिला देता है। मेरा ख्वाजा, मेरा ख्वाजा, मेरा ख्वाजा मुझे, किस किस को मिलता है ख्वाजा की निस्बत घर बैठे, जरा बताया है। अजी मेरा ख्वाजा मुझे घर बैठे दिला दे। I'm not afraid of the dark.
बापू ने मुझसे कहा, जुनैद मियां सरजमीन जामनगर है, हर तरीके के लोग हैं, क्लासिकल सुनने वाले भी हैं, कव्वाली सुनने वाले भी हैं। और कसम खुदा की गुजरात के अंदर यूं तो बहुत सारे शहर हैं, मगर जिन जगहों पे मैं हम लोग आते हैं, आर्टिस्ट फनकार नवाज लोग हैं यहाँ के, और यहाँ कव्वाल या कोई गाने वाला गाता नहीं, यहाँ के लोग गवाते हैं। कसम खुदा की मैं अपनी रोजी में बैठा हूँ। क्यों? थोड़ा सा क्लासिकल अंदाज पेश कर रहा हूँ। पानी झरेगा गमरे धनी झरे धनी सब धनी सब धनी सब पानी नहीं जाता सदा सनी नहीं जाता हम नूर के पैगंबर की तरफ देख रहे हैं, हम नूर के पैगंबर की तरफ देख रहे हैं, एक माह मुनव्वर की तरफ देख रहे हैं, एक माह मुनव्वर की तरफ देख रहे हैं। जिस दिन से मेरा सर तेरे कदमों में झुका है, जिस दिन से मेरा सर तेरे कदमों में झुका है, सब लोग मेरे सर की तरफ देख रहे हैं, सब लोग मेरे सर की तरफ देख रहे हैं। शेर बतौर खास पढ़ा हूँ और चाहूंगा आप लोगों से, एक माह मुनव्वर की तरफ देख रहे हैं, हम नूर के पैगंबर की तरफ देख रहे हैं, जिस दिन से मेरा सर तेरे कदमों में झुका है, सब लोग मेरे सर की तरफ देख रहे हैं। ऐसा कर्म किया है मेरे ख्वाजा ने मुझ पर, ऐसा कर्म किया है मेरे ख्वाजा ने मुझ पर, ऐसा कर्म किया है मेरे ख्वाजा ने मुझ पर, सब मेरे मुकद्दर की तरफ देख रहे हैं, सब मेरे मुकद्दर की तरफ देख रहे हैं, सब मेरे मुकद्दर की तरफ देख रहे हैं। हम तो यहाँ सरकार की महफिल में मगन है, हम तो यहाँ सरकार की महफिल में मगन है, हम तो यहाँ सरकार की महफिल में मगन है, हम तो यहाँ सरकार की महफिल में मगन है, सरकार मेरे घर की तरफ देख रहे हैं। जरा देखो मेरा किस बात का गम है देख के बोले कि तेरी आंख क्यों नम है, देख के बोले कि तेरी आंख क्यों नम है, यूं देख के बोले कि तेरी आंख क्यों नम है, यूं देख के बोले कि तेरी आंख क्यों नम है, जब हम हैं तेरे साथ तो किस बात का गम है मेरा बाजा मुझे।
ये शेर मैं जब तक महफिल में नहीं पढ़ता हूँ अजीम भाई, ये मेरा वजीफा है। किसी का कुछ वजीफा होता है, ये मेरा वजीफा है। जो आशिकाने गरीब नवाज हैं, जो अपने पीर के चाहने वाले हैं, वो इस बात का तसव्वुर करें जरा, ईमान से मजा आ जाएगा। हाय हाय हाय, वजीफा सुने मेरा क्या है। और जितने आशिक बैठे हैं अपने अपने पीर के, जरा सुने, हाय हाय मजा आ जाएगा, कसम खुदा की। अंधेरी रात है, अंधेरी रात है, साया तो हो नहीं सकता। अंधेरी रात है, साया तो हो नहीं सकता। ये कौन है जो मेरे साथ साथ चलता है, ये कौन है जो मेरे साथ साथ चलता है, ये कौन है जो मेरे साथ साथ चलता है, ये कौन। सीधा बेटा, जितने आशिक हैं ना गरीब नवाज के और अपने अपने पीर के, कोई गौसे पाक का दीवाना है, कोई साबिर पाक का, कोई गरीब नवाज का, अपने अपने पीर का तसव्वुर कर लें, कोई मोती वाले का, कोई वारिस पाक का और कोई मम्मन शाह का। हाय हाय, अंधेरी रात है, साया तो हो नहीं सकता। अंधेरी रात है, साया तो हो नहीं सकता। ये कौन है जो मेरे साथ साथ चलता है, ये कौन है जो मेरे साथ साथ चलता है। मैं अपने आप को तन्हा कभी नहीं पाता, मैं अपने आप को तन्हा कभी नहीं पाता। वो साया बन के मेरे साथ साथ चलता है, वो साया बन के मेरे साथ साथ चलता है। मिटाने वाले तो कब का मुझे मिटा दे दे, मिटाने वाले तो कब का मुझे मिटा दे दे। मिटाने वाले तो कब का मुझे मिटा दे दे, मिटाने वाले तो कब का मुझे मिटा दे दे, मिटाने वाले तो कब का मुझे मिटा दे दे। बचाने वाले मेरे साथ साथ रहता है, मेरा ख्वाजा मुझे परवरदिगार है, माना के देने वाला परवरदिगार है। माना तो देने वाला परवरदिगार है, लेकिन दिलाने वाला गरीब नवाज है, मेरा माता घर बैठे दिलाने आए, माता शेर मलाजा फरमाए। ऐसा ख्वाजा है, ऐसा ख्वाजा हमारा है वो, भाई जरा सुकून बना ले, सुकून बना ले भाई, तवज्जो। ऐसा ख्वाजा है हमारा वो संजर वाला, वो शहनशाह है, वो शहनशाह है, वो शहनशाह है तो आलम से मिला देता है, वो शहनशाह है तो आलम से मिला दे। हमारा है अजमेर वाला, वो शहनशाह है, वो शहनशाह, वो शहनशाह है तो आलम से मिला देता है। किसी राजा से मिलिएगा न महाराजा से मिलिएगा, मोहम्मद से जो मिलना है तो बस ख्वाजा से मिलिएगा, वो शहंशाह को आलम से मिला देता है, वो शहंशाह को आलम से मिला देता है, वो शहंशाह को आलम से मिला शहनशाह है तो आलम से मिला।
ख्वाजा से मिलिएगा वो शहनशाह है तो आलम से मिला मुझे मोहम्मद के नाम का वो शहंशाह है तो आलम से मिला के ओ ये शेर आखिरी शेर इस मनगवत का नत कर रहा हूं जो पहली मर्तबा मैं सरजमीन जामनगर में पढ़ रहा हूं और ये बुजुर्गों की तारीख है जिसमें के हजरत साबिर पाक का तो वाकई है लोगों को पता ही मगर बुजुर्गों की तारीख है क्योंकि आकाए नामदार के घराने के बुजुर्ग हैं अताए रसूल है करीब नवाज इनके यहाँ की रीत क्या है इनके यहाँ की रस्म मुलायजा फरमाए हमारे हाफिज साहब नीचे बैठे हैं शोरा इकराम जरा तवज्जो चाहूंगा हुजूर इस शेर पर बतौर खास आखिरी शेर मेरा ख्वाजा है ये अजीम भाई बतौर इस्लाम अलग शेर मेरा ख्वाजा है दोस्तों मेरा ख्वाजा है उसी घर की निशानी देखो मेरा ख्वाजा है भाई साहब थोड़ा साइड आ जाए बड़े भाई आखिरी शेर है वो बड़े काम का शेर है सुनने वालों के लिए बड़े काम का इंशाल्लाह मेरा ख्वाजा है खामा खाई ये जितने आशिक दीवाने बैठे खामा खाई ख्वाजा ख्वाजा नहीं करते हैं खामा खा नहीं करते हैं कुछ ना कुछ तो है मेरे करीब नमाज में भाई मगर कुछ ना कुछ नहीं बहुत कुछ है मेरे करीब नमाज में बहुत कुछ भी नहीं सब कुछ है करीब नमाज से क्योंकि ख्वाजा ना होते मुसलमान ना होते ये गरीब नवाज का सदका है हम लोगों पर क्योंकि हमसे ना टकराए चाहे चीन हो या जापान ये ख्वाजा का देश है इसका नाम है हिंदुस्तान क्यों किसी राजा तदंग तंग तदंग तदंग तंग तदंग किसी राजा की चलती है न महाराजा की चलती है किसी राजा की चलती है न महाराजा की चलती है हुकूमत हिंद तुम्हें देखो मेरे ख्वाजा की चलती है हुकूमत हिंद तुम्हें देखो मेरे ख्वाजा की चलती है हुकूमत हिंद तुम्हें देखो मेरे ख्वाजा की चलती है इसलिए कहा है मेरा ख्वाजा है उसी घर की निशानी देखो किस घर की ऐसे वैसे घर की नहीं है उस घर की निशानी देखो खुद नहीं खाता है खुद नहीं खाता है मंगतों को खिला दे वो खुद नहीं खाता है मंगतों को खिला दे किस घर की निशानी है खुद नहीं
बोला करो यार ये जामनगर हमें खुद हमें आप लोगों से मजा आता है, हम नहीं गाते आप लोग गवाते हैं। खुद नहीं खाता है मंगतों को, मंगतों को कुर्बान आप लोगों के सुनने के। खुद नहीं खाता है मंगतों को खिला देना, ये शेर उनकी नजर कर रहा हूं। जिन लोगों ने ये महफिल सजाई है, जिन लोगों ने ये महफिल सजाई है, ये उन लोगों की शेर नजर कर रहा हूं। सुल्तान की वाजा की अपने घर में जो महफिल सजाई है, सजाई है आजा की अपने घर में जो महफिल सजाई है, आते हैं मदद के लिए आवाज आई है, और नहीं खाता है लगे हैं, सरकार उनकी लाज बचाने में लगे हैं। जरा देखो नजर नहीं आता, यूं तो क्या क्या नजर नहीं आता, कोई तुमसा नजर नहीं आता, कोई तुमसा नजर नहीं आता, झोलियां सबकी भरती जाती है, झोलियां सबकी भरती जाती है, देने वाला नजर नहीं आता, देखो देखो खिला देता है मंगतों को, खिला देता है मंगतों को, खिला